इस तो ये हमारी बद्रीनाथ का तीसरा दिन है और वो देखिए आप मॉर्निंग बद्रीनाथ की मॉर्निंग धूप पड़ रही है दोनों साइड बर्फ के पहाड़ और उनके बीच से मुझे आ रहे हैं पानी बह रहा है वो पानी से बाहर निकल के ना गाड़ी रोक ली अपनी है ना कहीं फोटो खींच लेंगे ये हमारी यात्रा का तीसरा दिन है जिसमें हम बद्रीनाथ पहुंच गए थे कल दूसरे दिन में तो अभी हम तीसरे दिन में माना और वशिष्ठ गुफा और विष्णु चरण पादुका ये सब हैं जिनके हम दर्शन करेंगे आज और कल 12 तारीख में है जिसमें बद्रीनाथ बाबा के दर्शन होंगे तो कल वहां के दर्शन होंगे। जय बाबा बद्री विशाल, जय हो बाबा की। और अभी हम यहाँ से चल दिए आगे जाके, यहाँ पे घूमने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए हैं, नीलकंठ पर्वत है, वशिष्ठ गुफा है, विष्णु चरण पादुका है, सरस्वती जल है, रास्ता है जो अभी 1-2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। अब ये सब ट्रैकिंग पे चल रही है, ऊँचे ऊँचे पर्वत, ये देखो पर्वत श्रृंखलाएँ, ये सब यहाँ पे मार्केट है, छोटी सी गली है, इसके अंदर से जाना है सबको। ये देखो गर्म गर्म कैप टोपे सब अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आपको पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पर आकर परचेज कर सकते हैं सब सामान। और ये ट्रैकिंग का रास्ता स्टार्ट, ये देखें कितना छोटा सा रास्ता है जिसमें सब जा रहे हैं। ये माता है ये तो खुले हुए हैं, वो तो उनसे बात हुई थी ना सुबह, बद्रीनाथ तो कल ही खुलेंगे 12 तारीख में, विधान आ गई है ना शीलू, विधान आ गई है ना। और ये आ रहे हैं आगे, और ये देखो थक गए आप, मजा आ रहा है ना। हाँ चलो 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 हाँ ये सब ठीक। ओह माय गॉड, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे चलते रहो। Çeviri ve Altyazı M.K.
नजर नहीं लगती गेट पे था। नहीं मेन गेट पे खाली है, पानी का ये नजर बट्टू का पेड़ है, इसे आप कहीं भी लगाएं तो नजर नहीं लगती। चाय में डालो, सर्दी जुकाम खांसी सब सही है। और इससे ये वो है पत्थर टापू के स्टोन की दवा, स्टोन के स्टोन की दवा, पत्थर की दवा, पत्थरी की दवा, ये पत्थरी की दवा है, ये नजर बट्टू है, ये चाय का मसाला। बट्टू आते हुए ले लेंगे, आते हैं ट्रैकिंग करने का अपना ही अलग मजा है। जय हो बाबा की। वो तो सब चल रहा है, ऊपर का वो सब देख रहे हैं। मैंने बोला था कितना वगैरह की ले रहे हैं, सब काम आ गई, वो सब आ गई रात प्रथम गांव जो कि अभी तक अंतिम था, लेकिन मोदी जी ने से प्रथम गांव का दर्जा दिया है सरकार हमारी। कहाँ है ना भीम पुल तो जरा, लेकिन इधर जाना। चलो भाई व्यास गुफा, अभी व्यास गुफा जा रहे हैं पहले। चलो श्री गणेश गुफा से आए हैं, अभी तक पसीना नहीं आया, आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया। सबने अपने अपने विकेट गिरा दिए, ये देखो सबके विकेट गिर पड़े हैं, लेकिन हमारे विकेट अभी खड़े हुए हैं। जब हमारे विकेट गिरते हैं इनके खड़े रहते हैं। चलो भाई चलो, हाँ ये रहा ये रहा, अरे ये रहा यार 300 किलोमीटर बता रहा, 300 किलोमीटर तो घूम के लिए जाऊं मैं, मेरे को हिलने का नहीं। 300 किलोमीटर का मतलब तो हो गया वहां चढ़ना, वहां से भी पीछे, अरे चढ़ाई के बाद अब थोड़ा सा रास्ता नीचे उतरने का आया है, यहीं रह जाएगा। जय हो बाबा की, जय करा वीर बजरंगे, बोल जय महादेव, जय हो बाबा की। अभी हम जा रहे हैं भीमपुर, ये सरस्वती नदी बह रही है, ये देखो सो, ये नहीं वो, ये वो वाली नहीं, दूसरी है, ये देखो वहाँ का नजारा, और ये देखो पर्वत, ये देखो पर्वत, और ये सब आ रहे हैं। दीदी दीदी थक गई, अच्छा चलो तो फिर आ जाओ, अब तो नीचे उतरना, आप कहाँ थकना है। पहुँच चुके हैं हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, ये सब सफाई वाले सफाई कर्मी खड़े हुए हैं यहाँ पर है। यहीं पे सफाई कर रहे हैं भीमपुल, यहाँ से ये भीमपुल का रास्ता है नीचे प्रथम गांव माना। मैं अभी आपको जय हो बाबा जी, ये भीमपुल है और सरस्वती नदी जल जा रही है, इतनी कलकल आवाज, इतनी तेज आवाज, जय माँ सरस्वती। वो सामने भीमपुल की प्रथम दुकान, और हमें प्रथम गांव
भगवान के। और ये मैं आपको दर्शन करा रही हूँ सरस्वती नदी के, भीम पुल के, और ये देख रहे हैं आप नजारा। वाओ सो ब्यूटीफुल, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। डरावना नहीं, कितना अच्छा है ये देखो। भीम पुल पे नीचे जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है, सब लोग सीढ़ी से जा रहे हैं। और ये जो है ये वो भीम पुल है जो भीम ने उठा के रखा था यहाँ पर, ताकि सभी सभी पांडव इधर से पार कर जाए, वो पर्वत चले जाए जहाँ पर से उन्होंने स्वर्ग जाने का रास्ता है। ये सारा स्वर्ग जाने का रास्ता है जहाँ पर हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, तो ये सब रास्ता हुए हैं। और ये भीम पुल ये भीम ने रखा था पार करने के लिए। कहाँ जा रही है ये आप पीछे देख रहे हैं नदी सारी जो बह रही है वो देखो ऊपर से नीचे, और इधर इधर भी देखो ये नदी कैसे चल रही है, बह रही है। सब कुछ पता नहीं कि नदी कहाँ जा रही है सरस्वती नदी, और पीछे भी इसका कोई पता नहीं कि कहाँ से आ रही है, कैसे ऊपर से और आवाज़ देखो। और ये ऊपर पर्वत है, वो भीम पुल है, ये सब ये देखो रेनबो। हिंदुस्तान की प्रतिमा, और ये है वो रास्ता जहाँ से स्वर्गारोहण हुआ था। चलो यहाँ से स्वर्गारोहण हुआ था पांडवों का। स्वर्गारोहण मार्ग है यहाँ से पांडवों ने किया था। हम भी स्वर्गारोहण मार्ग पर जा रहे हैं, थोड़ा सा हम भी देखें कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं, हमें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। त्रिपुरा बाला सुंदरी हिंदुस्तान की सबसे पहली पुरानी दुकान। ये ऊपर की ट्रैकिंग कर रहे हैं माना गांव से ऊपर और चीन बॉर्डर पे जाने का, पर सांस फूलने लगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम मात्रा में है इसलिए सांस ज़्यादा फूल रही है यहाँ पे। पापियों के ऊपर नहीं गिरता, 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। हमारे सरस्वती का जल भरने के लिए गए हैं नीचे, रास्ता नहीं है पर फिर भी ये लोग चले गए हैं और ये जल लेके आएंगे भर के सरस्वती नदी का। ये मंदिर सज चुका है, कल के लिए दर्शन होंगे। जय हो।
महाराज मंदिर नीचे आ गए और यहाँ सामने तप्त कुंड है। यहाँ देखो इतनी ठंड में एक कुंड है जिसमें से गर्म पानी निकलता रहता है, गर्म पानी का कुंड है ये। ये देखो कुदरत की महिमा, प्रभु की महिमा, बाबा की महिमा कहो कि यहाँ पर ये गर्म पानी का कुंड चलता रहता है। ये देखो ये गर्म पानी का कुंड यहाँ पर रहता है, इतनी ठंड में डूब जाओ। जय हो। मम्मी जी लो। ये देखो ये कुंड है गर्म पानी का। जय हो बाबा की। बाबा बद्री विशाल देखो भाई कल की तैयारी हो गई है और कुछ चल रही है अभी। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाबा के दर्शन करें। बाय बाय।